हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लास में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग तीन बात करेंगे। पहली बात, टेन सेलेक्ट कर लें। पहली बात, एक दो तीन। पहली बात हम लोग करेंगे कि LIC असिस्टेंट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, तो वो कैसे टेस्ट होगा, किसको टेस्ट देना है, किसको टेस्ट नहीं देना है। इन्होंने एक नोटिस जारी किया, तो नोटिस का हम स्क्रीनशॉट ही दे दिया आपको। उस पूरी नोटिस को हम पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या नोटिस है, ठीक है। दूसरा, आपको बात करेंगे कि LIC असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है 30 और 31 अक्टूबर को, एग्जाम का रिजल्ट डिले होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा डिले होगा, क्यों डिले होगा उस बारे में बात कर लेंगे। तीसरा, कि IBPS PO प्री का रिजल्ट आया, उसमें काफी लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, काफी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, तो लेकिन कुछ रहे जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उनका अटेम्प्ट 70+ था, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये IBPS PO की फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट की बात है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 70+ अटेम्प्ट किया था, इवन 75+ अटेम्प्ट किया था, लेकिन हम लोग का नहीं हुआ, लेकिन दूसरे शिफ्ट में 58+ करने वालों को हो गया। तो ये हम लोग इन लोग कंप्लेन डायल ये कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं। तो कंप्लेन आप लोग जो कर रहे हैं, वो आपको कैसे तरीके से करनी है। कभी भी IBPS PO को आपको कंप्लेन करना है, तो इसी प्रोसेस से कीजिएगा, क्योंकि IBPS ने ये नोटिस ही जारी कर दिया है कि अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपकी कंप्लेन वहां दर्ज नहीं होगी और आपकी कंप्लेन को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्लेन इग्नोर नहीं हो, तो इस प्रोसेस ही से आप, जो हम प्रोसेस अभी आगे वीडियो में बताएंगे, उसी प्रोसेस से आप कंप्लेन लॉन्च कीजिएगा। तो चलिए, विदाउट डिले हम लोग चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। पहली बात देखिए, सबसे पहले हम, ये हो गया आपके पास ऑफिशियल LIC असिस्टेंट के ऑफिशियल लैंग्वेज के टेस्ट रिगार्डिंग जो आपको नोटिफिकेशन आया है, तो एक बार आप लोग उससे पढ़ भी सकते हैं। चलिए, हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं क्या नोटिस है। दिस इज फर्दर टू आवर नोटिस रिगार्डिंग द मैंडेटरी लैंग्वेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिश बाई डिफरेंट डिवीजन ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन 17/9/2019। तो 17/9/2019 को जो आपको वैकेंसी जारी की गई थी, उसी के रिगार्डिंग ये है जो असिस्टेंट की आई है। द नॉलेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज अंडर विच द डिवीजन फॉर विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर्स विल बी टेस्टेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग अ क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स। तो 25 नंबर का एक टेस्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये टेस्ट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना पड़ेगा। अ कैंडिडेट हैज टू सिक्योर अ मिनिमम 10 मार्क्स टू क्वालिफाई द टेस्ट। तो 25 में आपको 10 नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप जनरल हैं। लेकिन अगर आप जनरल नहीं हैं, तो आपको 25 में 10 नहीं लाना पड़ेगा, आपको इससे भी कम में काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD कैटेगरीज नीड टू सिक्योर मिनिमम 9 मार्क्स टू क्वालिफाई द टेस्ट। 25 में आपको सिर्फ 9 मार्क्स चाहिए आपको टेस्ट क्वालिफाई करने में, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या PWBD कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट्स नॉट सिक्योरिंग, लेकिन अगर आप 10 या 9 नंबर नहीं ला पाते हैं, अगर जनरल्स हैं या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स से हैं, तो अगर आपकी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अगर आप नंबर ले भी आते हैं, तो ये नहीं है कि अगर आपका जो रैंक जो तैयार होगा उसमें ये नंबर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन बाई इन दिस टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द रैंकिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो आपका रैंक के लिए ये आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि आपको लैंग्वेज आता है कि नहीं आता है। तो अब देखिए, सब किसी को ये टेस्ट नहीं देना है, तो कौन ये टेस्ट, कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये टेस्ट नहीं देंगे, तो चलिए अब हम लोग उसको देख लेते हैं। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन एंड प्रोड्यूस द 10-12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इविडेंसिंग हैविंग स्टडीड the official language of the respective state and union territories which division for which he or she is applying for will not be required to go this language test. तो अगर आप 10th या 12th की आप मार्कशीट दे रहे हैं और ये इविडेंस दे रहे हैं कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ा है 10th में और 12th में, तब आपको कोई जरूरत नहीं है इस लैंग्वेज टेस्ट देने की, ठीक है। फर्दर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द डिवीजन एंड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हुज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट विल नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। तो आगे बोला है कि फर्दर जो कैंडिडेट जहाँ पे आप यूनियन टेरिटरी जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, तो ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज टेस्ट विल नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज टेस्ट वहां नहीं होगा जहां आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। अब दूसरी खबर पे चलते हैं। देखिए, LIC जो है अपना
ये क्या है कि लिंक एक्टिवेट कर दिया है LIC का। जो 30 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था तो इम्फाल में फिर से री एग्जाम हो रहा था। जब तक ये री एग्जाम नहीं हो जाए, FBI क्लर्क का भी री एग्जाम हुआ था तो देखा था आप लोग कि कितना देर में उसका रिजल्ट आया था, तो इसका भी ये एग्जाम जा रहा है। तो जब तक ये री एग्जाम नहीं हो जाएगा, जब तक इनकी कॉपी आपको चेक नहीं होगी, तब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर अगर हम लोग का रिजल्ट अगर देखिए 30 अक्टूबर को अगर रिजल्ट आने का है, एग्जाम हुआ था, अगर कॉपी चेक भी हो गई है तो इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा जब तक इन लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो लेकिन अब ये नहीं करना है कि एग्जाम डिले हो गया तो पढ़ाई बंद कर देना है, पढ़ाई और तेजी से कर देना है, क्योंकि पास आपके पास थोड़ा टाइम बढ़ गया है। लेवल अगर क्वेश्चन का रेज भी हो जाता है तो आपके पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। अब देखिए IBPS PO के अगर आप लोग लॉन्च कर रहे हैं कंप्लेन, तो ये देखिए 16/3/2016 ही का ये नोटिफिकेशन है। लेकिन आप जैसे ही IBPS PO का साइट विजिट कीजिएगा तो आपको वहाँ पे टॉप में ही ये दिख जाएगा स्क्रॉल करते हुए कि एक जो आप लोग ग्रीवांसेज एंड कंप्लेन जो लॉन्च कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा। देखिए ऑल कैंडिडेट्स कॉन्स्टिट्यूट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट IBPS हैव ऑलरेडी मेड ऑपरेशनल मैकेनिज्म ऑपरेशनल एंड ऑलरेडी मेड ऑपरेशनल एंड ऑनलाइन मैकेनिज्म फॉर लॉजिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीवांसेज। इफ एनी कैंडिडेट इंटेंड्स टू रजिस्टर एनी ग्रीवांसेज, ही शे मेक क्लिक ऑन द लिंक अंडर हेडिंग कैंडिडेट ग्रीवांसेज लॉजिंग रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म। अगर किसी को देखिए IBPS ग्रीवांसेज का अपना ये मैकेनिज्म रखता है, अगर कोई ग्रीवांसेज या फिर कोई कंप्लेन लॉन्च करना चाहता है तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाकर के www.ibps.in पे जाकर के ही आप कैंडिडेट एंड ग्रीवांसेज पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और वहां से कंप्लेन कीजिएगा। ठीक है, रिप्लाईज ऑन द ग्रीवांसेज लॉन्ड shall all be given at the registered email address by our help desk within a reasonable time after registering the grievances। तो जब आप grievances अपने address कर दीजिएगा तो आपका जो registered email ID रहेगा उसी पे आपको sufficient amount of time में आपको ये आ जाएगा, reply आ जाएगा, reasonable amount of time में आपका reply आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि register किसी और ID से कर दिया फिर reply किसी और ID में खोज रहे हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन व्यू ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन कैंडिडेट ग्रीवांसेज लॉजिंग एंड रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म एंड ऑफिशियल वेबसाइट, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ग्रीवांसेज लॉज एंड मेड थ्रू अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल नॉट बी इंटेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। तो पहले अप्रैल 2016 ही से इन्होंने कर दिया है कि आपको लॉज, अगर आप कंप्लेन किसी दूसरे मैकेनिज्म से करते हैं तो आपको ये काउंट नहीं होगा। जैसे कि फॉरवर्ड हो जाता है ना IBPS, ये व्हाट्सएप पे कितने मैसेज फॉरवर्ड हो जाते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज फॉरवर्ड हो जाते हैं, क्या पता कि वो किसी साइट के लिंक हो या फिर दूसरे साइट को आपको साइट यहाँ थ्रू अपने थ्रू भेज रही हो ताकि आप ये साइट अपने ऊपर भी ट्रैफिक ला सके और अच्छा खासा पैसा इसका भी हो जाएगा, काफ़ी लोग इसको विजिट कर जाएंगे और अपने थ्रू भेजे हो। तो ऐसा मत किया कीजिए, डायरेक्ट अगर कंप्लेन करना है तो IBPS PO का वेबसाइट खोलिए, वहाँ से कैंडिडेट एंड ग्रीवांसेज में जाइए, वहाँ से अपना कंप्लेन लॉन्च कर लीजिए। ग्रेजुएशन कर लिया है अब इतना तो डायरेक्ट कभी भी फॉर्म भरना हो, ग्रीवांसेज लॉन्च करना हो, कुछ भी ऑफिशियल काम करना हो, किसी भी लिंक से नहीं जाना है, डायरेक्ट उसकी साइट खोलिए। जैसे अभी SO का आएगा ना फॉर्म फिलअप का टाइम, तो क्या कीजिएगा IBPS के डायरेक्ट साइट से जाकर के KRS में जाके SO का फॉर्म भरिएगा, किसी भी लिंक के थ्रू मत जाए कीजिए। होता क्या है कि कितनी बार होता है, कितनी बार ऐसा भी केस हुआ है, बैंक में तो नहीं हुआ ऐसा केस, लेकिन कई बार दूसरा केस हुआ है ऐसा कि एक बार अपने साइट में भराया और यहाँ से यहाँ रजिस्टर कर दिया, पूरा सब चीज़ हूबहू कॉपी रहा, आपका पैसा भी कट गया और ये एक फेक साइट थी और आपका फॉर्म भी लॉन्च नहीं हुआ और आपका पैसा भी कट गया और इसका पैसा बन गया। तो कभी भी अपना कंप्लेन लॉन्च करना है, कभी भी फॉर्म भरना है तो ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ करना है। ओके, देखिए इसके अलावा ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारे थंबनेल हैं, अगर देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारे थंबनेल हैं मेरे कोर्सेज के जो कि फ्री हैं, ये सारे कोर्सेज फ्री हैं और इसमें करीब करीब 150+ फ्री लेक्चर है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आप कीजिएगा क्या कि आप कौनैन पाशा सर्च कीजिएगा, KAUNAIN कौनैन PASHA पाशा सर्च कीजिएगा आप अन अकेडमी ऐप पर आप सर्च कीजिएगा कुरान पाशा और ये सारे कोर्स फ्री हैं जिसमें IBPS PO क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें मेंस के लेक्चर जा रहे हैं, इसमें अभी प्री का लेक्चर जा रहा है, लेकिन इसमें अभी 50+ फ्री लेक्चर इसी एक सिंगल कोर्स में, इसमें अभी 40+ फ्री लेक्चर है, हर एक पजल के अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ा देगा, हर एक पजल इतना अच्छा अच्छा पजल है, कोई भी आपको बहुत ईजी नहीं है, हर पजल आपको एग्जाम ओरिएंटेड पजल है जो कि आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर भी लॉन्च हो चुका है कोर्स, उसके अलावा एक इंग्लिश में कोर्स लॉन्च होगा
जिसको कि रीजनिंग कवर करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश में कोर्स लॉन्च हो चुका है, ये सारे कोर्स आपको हिंदी में है, क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो आपको कोई लैंग्वेज बैरियर का भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, आप सारे ये कोर्स फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इससे पहले मैंने एक ये वीडियो लॉन्च किया था कि एग्जाम टॉप करने के तरीके, इसमें हम 6 हैबिट की बात किया है, अगर आप लोग नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन अकेडमी पे हमको फॉलो कर दीजिए। अन अकेडमी पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, अन अकेडमी की तरफ से हमको एडुकेटर ऑफ द वीक का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो फॉलो कर दीजिए अन अकेडमी पे जा करके, KUNAINPASHA। कुरान पाशा आप फॉलो कर लीजिएगा अकेडमी में। होता क्या है कि हम लिंक नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं तो कई बार यूट्यूब हटा देता है, तो अगर आप लोग नए हैं तो हमको फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी सारे फ्री लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। ओके, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।